जिंदाबाद, हातिम ताई जिंदाबाद, शहजादे यमन 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 जिंदाबाद। लो बाबा तुम भी लो। नहीं बेटा, मैं लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए आया हूँ। देने के लिए? हाँ। क्या? बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जिंदगी भर की कमाई? ये तो कोई पत्थर है। नहीं नहीं बेटा, ये पारस है, पारस। जिस चीज को छू ले वो सोना हो जाए। सोना? लगता है मजाक कर रहा है। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर यकीन ना हो तो खुद देख लो। बाबा, ये आपको मिला कहां से? ये मत पूछो बेटा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब इसे ढूंढने के लिए घर से निकला। कहां कहां नहीं ढूंढा इसे मैंने। कितने पहाड़ों की चोटियां सर की, कितने जंगलों की खाक छानी, कितने रेगिस्तानों की रेत फांकी, तब जाकर कुछ दिन पहले ये दरियाए फिरात में मुझे मिला। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये आपको मिला। आप ये पारस मुझे क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि जिंदगी कभी भी मुझसे बेवफाई कर सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नायाब चीज तुझ जैसे सखी के हवाले कर दूं, ताकि तू इसका जायज इस्तेमाल कर सके। क्या किया हातिम तूने? जिस पत्थर को हासिल करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 70 साल लगा दिए, उसे तूने एक ही पल में दरिया में गर्क कर दिया। हमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया बाबा। अगर आप अपनी सारी जिंदगी इस एक पत्थर को ढूंढने के बजाय खुदा की इबादत और उसके बंदों की भलाई में लगा देते तो खुदा आपको खुद एक पारस बना देता। या खुदा, एक मासूम बच्चे के जरिए तूने मेरी आंखें खोल दी। या खुदा, अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन अब तेरी इबादत में गुजार दूंगा। मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा, मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा, मेरे गुनाहों को बख्श दे। हमारे वजीर साहब हैं। ओ, सलाम हुजूर। डोली में कौन है? तुम्हारी दुल्हन? जी हुजूर, कस्बाए हयात से शादी करके ला रहा हूं। कस्बाए हयात? सुना है वहां की लड़कियां बड़ी हसीन होती हैं। जरा हम भी तो देखें कैसी है तुम्हारी दुल्हन। सबने तो हमें झुककर सलाम कर दिया मगर दुल्हन ने नहीं किया। हुजूर, वो पर्दादार खातून है। पर्दादार खातून? मगर हाकिम उर्रिया में कैसा पर्दा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? मुफ्त नहीं देखूंगा, अच्छी मुंह दिखाई दूंगा। मगर आप गैर मर्द हैं।
गैर मर्द तो ठीक है, अब नहीं रहूंगा। सरकार, आप जो करने जा रहे हैं ये गुनाह है। अब तो जैसा मामूली कहार हमें बताएगा कि गुनाह क्या है और सवाब क्या। आप तो रियाया की जान और इज्जत के मुहाफिज हैं। मगर इस वक्त दुल्हन के दीदार का शौकीन हूं। जब दिल ही नहीं काबू में तो जुबान क्या होगी। नहीं, नहीं, नहीं। चल छोड़ो, चल छोड़ो, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। वजीरजादे, इससे पहले कि ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, अपने सिपाहियों को लेके चला जा। होश की दवा कर कहा, डोली उठाने वाले हाथों में तलवार अच्छी नहीं लगती। और तलवार उठाने वाले हाथों से भी एक बागबाज औरत का आंचल उठाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। ईमान वाली जिंदगी से ज्यादा हमें वो मालिक प्यारा है जो मजलूमों की मदद करता है और जालिमों पर कहर ढाता है। इसलिए उसका खौफ कर और अपने नापाक इरादों से बाज आ जा। परवेज जो एक बार दिल में ठान लेता है उसको करके ही दम लेता है। तो आसिफ मुस्तफा भी कॉल देता है, आज या तो इस मासूम की हिफाजत करेगा या अपनी जान दे देगा। ये बात है तो ये ले, भाग जा कहार, हमने तुझे बख्श दिया। भागना होता तो बहुत पहले भाग जाते, लेकिन हम तो कहार हैं। कहा गया तो टोली को ससुराल तक पहुंचाता है या अपनी जान कुर्बान कर देता है। लेकिन तू तो ताकत के नशे में चूर है, तेरे रगों में खून नहीं हवस की आग दौड़ रही है। चल चल, अब कौन बचाएगा? नहीं छोड़ मुझे। जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। या मेरे अल्लाह, या मेरे मालिक। लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। दुख दर्द जमाने इतनी बड़ी खुदाई में हम
मजलूमों का एक भी मददगार नहीं। क्या हुआ भाई? शहजादे हातिम, वजीर जादे ने हमारे दोस्त आसिफ मुस्तफा का कत्ल कर डाला और दुल्हन को उठा कर ले गया। किस तरफ गया है वो मर्दूद? इस तरफ हुजूर, इस तरफ। अच्छा बचकर कहाँ जाओगी? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। आज हमें खुश कर दो गुलबदन। मेरे पास मत आओ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। खुदा के लिए? तेरे उस खुदा ने खुद तुझे मेरे पास भेजा है और मैं तुझे छोड़ दूँ? तुम जैसी हसीन लड़कियां जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए पैदा होती है मेरी जान। बेचारी बुलबुल, भाग कर कहां जाओगी जाने मन? इस जंगल में सिवाय मेरे तुम्हारे और कोई नहीं। सालिम, जहां कोई नहीं होता वहां भी खुदा होता है। खुदा? या खुदा, या मेरे मौला, जिस तरह तूने हजरत यूनुस की हिफाजत मछली के पेट में की थी, जिस तरह तूने हजरत यूसुफ की हिफाजत बाजारे हुस्न में की थी, जिस तरह तूने हजरत नूह की हिफाजत तूफानी बादो बारा में की थी, उसी तरह आज मेरी इस्मत की हिफाजत भी इस जंगल बियाबा में कर दे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, सामने आ। शहजादे, मगर वो बदमाश आपके आने का सुनकर भाग निकला। आप फिक्र ना कीजिए, एक ना एक दिन तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। आप इस वक्त मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं शहजादे। वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत,
खुदा जाने मेरे शौहर किस हाल में होंगे। आपके शौहर सलामत है मगर वो कहाँ है? अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जानती हूँ उस जालिम ने मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला। अफसोस मैं उसके लिए कुछ न कर सकी। दूसरों के लिए जान देने वाले शहीद कहलाते हैं और शहीद कभी मरते नहीं। आइए चले। अब इस लाश को लेकर इस जंगल में कब तक पड़े रहेंगे? हमें चलना चाहिए कदीर भाई। बदनसीब, सुबह घर से ये कहकर निकला था कि शाम को घर जल्दी आ जाएंगे, अब क्या होगा? इसके माँ बाप इसके घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। अरे सुनिए भाई साहब, मेरे बेटे आसिफ को देखा है कहीं? नहीं देखा। अरे सुनिए तो सही। कितनी रात हो गई, आसिफ अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बानू, बच्चा थोड़ी है जो रास्ता भटक जाएगा। शुक्र है तुम्हें ये ख्याल तो आया कि वो बच्चा नहीं है। अब उसकी भी तो फिक्र करो। अरे भाई मैं क्या फिक्र करूं, मुझसे ज्यादा हर बात में तुम उसका ख्याल रखती हो। मैं तो उसके खाने पहनने तक का ही ख्याल रख सकती हूँ। हर जवान लड़के के और भी अरमान होते हैं। रोज हर रोज किसी ना किसी के दरवाजे पर वो टोली लेकर जाता है, टोली पहुंचाता है, पर किसी ना किसी दिन अपने दरवाजे पर भी तो डोली लाने दो उसे। तुम उसकी दुल्हन लाने को कह रही हो? और नहीं तो क्या, बहू के बिना ये घर कितना सुना सुना सा लगता है। हाँ लगता तो है बानो, बस अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका घर आबाद कर देंगे। आप इशारा तो कीजिए, लड़कियों की कतार खड़ी कर दूंगी। भाई बानो, वो हसन हमदानी की बेटी को देखा है तुमने? हाँ देखा है। कैसी रहेगी अपने आसिफ के लिए? अरे उससे अच्छी तो यूसुफ सुलेमान की बेटी है, उसकी बीवी तो कितनी बार मुझे इशारों में कह चुकी है। मगर बानो, यूसुफ के बेटे के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, दिन भर आवारा गर्दी करता रहता है। अरे उसके बेटे से हमें क्या लेना देना? नहीं बेगम नहीं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ वो सुल्तान मियाँ की बेटी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे हाँ, वो तो बड़ी हसीन और जमील है। रहमतुल्ला के बेटे की शादी में देखा था, ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से हूर उतर आई हो। हाँ लेकिन हमारा बेटा भी किसी शहजादे से कम नहीं है। सो तो है, पर जानते हो अपने कस्बे के ना जाने कितनी लड़कियां उस पर जान देती हैं। भाई बानो, एक बार उससे भी पूछ लिया जाए, कहीं उसके जहन में कोई लड़की ना हो। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। अरे कहीं ऐसा भी होता है कि लड़का खुद अपने लिए लड़की पसंद करे? लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? ठीक है पूछ लूंगी, आने तो दो उसे। उसके जहन में भी कोई लड़की हो तो उसे निकाह करके घर ले आएंगे। हाँ। अरे हमारे बेटे की खुशी ही तो हमारी खुशी है। क्यों नहीं। लगता है आ गया। कितनी देर लगा दी। क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बानो? क्या हुआ देखिए। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ है? लाओ यहाँ लाओ। हाँ लेटा दो उसको यहाँ। बेटे लेटा दो, संभाल के। आसिफ हटो भाई। मेरे बेटे। क्या हुआ इसको? देखिए ना आसिफ। आसिफ मेरे बेटे। बेटे देखिए ना क्या हुआ इसे। बानो ये तो तुम पानी लाओ, जल्दी लाओ। बेटे क्या हुआ इसे?
हुआ क्या है इसे? तुम बोलते क्यों नहीं? अगर इसकी तबीयत खराब थी तो हकीम साहब को साथ ले आते। बानू पानी लाओ जल्दी। ये लीजिए। आसिफ देखो बानू, शायद इसे बुखार की वजह से गश आ गया है। हाँ, आसिफ बेटा, आसिफ उठ बेटा, उठ बेटा, उठ आसिफ। नहीं खाला जान, हमारा आसिफ अब कभी नहीं उठ पाएगा। क्यों नहीं उठ पाएगा बेटे? हमारे हकीम साहब के पास हर बीमारी की दवा है। हाँ। नहीं चाचा जान, अब कोई दवा काम नहीं आएगी। क्यों? हमारा आसिफ हम सबको दुनिया से छोड़ कर चला गया। हमें छोड़ कर नहीं जा बेटा, हमें छोड़ कर नहीं जा बेटा। मेरे मौला क्या किया तुझे? सब्र कीजिए बाबा, सब्र कीजिए। खुदा ने आपके बेटे को ऐसी मौत दी है जो बहुत नसीब वालों को मिलती है। नहीं जा बाबा, इसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी बाबा, और हम कहारों को दागदार होने से बचा लिया बाबा, बचा लिया बाबा। दुनिया का सबसे बड़ा दाग तो जवान बेटे की मौत होती है, जो हम बूढ़े माँ बाप ने अपने सीने पर जिंदगी भर के लिए लगा लिया। हम अपने बेटे को कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? या खुदा। तेरी बेटी आसिफ दूल्हा, तेरा बच्चा, तेरा लाल, आसिफ के बाबा वो देखो हमारा आसिफ दूल्हा बना हुआ है, हमारा आसिफ दूल्हा बना हुआ है। सारे बराती जमा हो चुकी है। तुम बारात लेकर जाओ ना आसिफ के बाबा, बारात लेकर जाओ ना। क्या मेरा आसिफ जिंदगी भर दूसरों की टोली पहुंचाता रहेगा? नहीं, आसिफ बेटा, टोली में अपनी दुल्हन को बिठाकर घर ले आओ, टोली में अपनी दुल्हन को बिठाकर घर ले आओ बेटा। बानू जाना बेटा, बानू जाना, बानू बानू बानू। नहीं बानू, नहीं ना। आसिफ! आसिफ! नहीं बानो, नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। आसिफ! कभी वापस नहीं आएगा। अब सिर्फ उसका ठिकाना कब्र है बानो, कब्र। मैं कितना बदनसीब हूँ। अरे बेटा अपने बाप को कांधा देता है और मैं अपने जवान बेटे को कांधा दे रहा हूँ। या अल्लाह, अगर किसी को औलाद दे तो नेक दे, वरना आमीन।
कुछ पता चला? नहीं, कानून के डर से न जाने कहां जा छुपा है। तो अब वो नहीं पकड़ा जाएगा? नहीं, बादशाह के सिपाही उसे हर हालत में तलाश कर लेंगे। और फिर सजा हो जाएगी? क्यों? कैसी फजूल की बातें कर रही हो? क्या वो किसी मामूली आदमी का बेटा है? वो वजीर आजम का बेटा है, वजीर आजम का। यही कह कह कर तो आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है। हाँ, जो कुछ भी सामने आ रहा है वो सिर्फ आपके नाजायज लाड प्यार का नतीजा है। मैं हमेशा कहती रही कि इतना लाड प्यार अच्छा नहीं, औलाद हाथ से निकल जाएगी, मगर आप तो मुझे उसका दुश्मन समझते रहे। शराब वो पीने लगा, किमारबाजी वो करने लगा, घोड़ों की दौड़ पर शर्त वो लगाने लगा, और अब तो हद ही कर दी। आप तो खामखां आसमान सर पे उठा रही हैं। अरे जवानी में किससे खता नहीं होती, और शाही घरानों के लिए तो ये मामूली सी बात है। तो फिर मुंह छुपाए क्यों फिर रहा है? सीना ठोककर बादशाह सलामत से कहने क्यों नहीं आता कि बादशाह सलामत, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिले। सिर्फ एक दुल्हन को ही तो उठा कर ले गया हूँ, एक अदना से तहार का खून ही तो किया है। आएगा बेगम, वो बादशाह सलामत के सामने जरूर आएगा, लेकिन अपने बचाव का बंदोबस्त करने के बाद। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरा बेटा है, मेरा। फिर वही गलत बात, आप उसे तलाश करके मजबूर कीजिए कि वो अपने जुर्म का इकबाल कर ले, और उसके लिए उसे जो भी सजा मिले उसे कबूल कर ले। कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे का बुरा चाहती हैं? माँ हूँ, इसीलिए तो चाहती हूँ कि एक बार सजा भुगत ले ताकि जिंदगी भर गुनाहों से डरता रहे। पागल हैं आप, कत्ल की सजा जानती हैं आप? मौत होती है मौत, और मैं अपने बेटे को मौत की सजा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अदालत में उसके खिलाफ ऐसा एक भी लफ्ज न निकलने पाए जो उसके लिए जिंदगी का खतरा बन जाए, समझिए आप? गुस्ताखी माफ हो वजीर आजम, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं। क्या परवेज गिरफ्तार कर लिया गया? इसका मतलब है उसने अपना बंदोबस्त कर लिया। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो। मुलजिम परवेज महमूदी पर इल्जाम है कि उसने अपने वालिद वजीर आजम तबरेज महमूदी के ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए इस महीने के चांद की 14वीं तारीख को गुजरती हुई एक बारात को रोककर डोली में बैठी हुई दुल्हन का अगवा किया, और जब दुल्हन के शौहर और कहार आसिफ मुस्तफा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शौहर को बेहोश कर दिया और कहार आसिफ मुस्तफा को अपनी तलवार से कत्ल कर डाला। उसके बाद दुल्हन को जंगल में ले जाकर उसकी इस्मत को दागदार करने की कोशिश की, मगर वली अहद सल्तनत शहजादा यमन हातिम बिन ताई के पहुंचने पर गिरफ्तारी के खौफ से वो फरार हो गया। मुल्ज़िम परवेज महमूदी, तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल है? तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल है वजीर जादे? जान की अमान हो आलम पना, मुझ पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम बेबुनियाद है। तो तुम्हें इनकार है कि तुमने एक दोषीजा का अगवा किया? जी हाँ आलम पना। तुम्हें इससे भी इनकार है कि तुमने दोषीजा के शौहर को बेहोश किया और एक कहर का कत्ल किया? जी हाँ आलम पना, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ।
मगर तमाम सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। आप इंसाफ परवर हैं आलीजा। मेरी दरख्वास्त है कि गवाहों से एक बार फिर दरियाफ्त कर लिया जाए कि जिसने जुर्म किया क्या वो मैं ही हूं। हम तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देंगे। गवाहों को पेश किया जाए। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। तो शीजा, मुल्ज़िम को अपने हर जुर्म से इनकार है, क्या उसका कहना दुरुस्त है? ये बादशाह है, यमन का दरबार है, यहां बेसबब खौफ की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें हक बात कहने की पूरी आजादी है। तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। क्या मुल्ज़िम ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी दोषिदगी को तार तार करने की जुर्रत की? यूं खामोश न रहो खातून, तुम्हारी लब कुशाई पर किसी की जिंदगी और मौत का दारोमदार है। जो कहना है बिला खौफो खतर कह डालो। वजीर आजम, आप ये ना भूले कि वजीर आजम के साथ साथ आप मुल्ज़िम के बाप भी हैं, इसलिए आपका कुछ भी कहना इंसाफ की रूह से गलत होगा। गुस्ताखी माफ हो आलमपना। खातून, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। क्या मुल्ज़िम ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी दोषिदगी को तार तार करने की जुर्रत की? हाँ हाँ कहो, हम गोश पर आवाज हैं, कहो। क्या यही वो शख्स है? क्या मुल्ज़िम ही वो शख्स है? ये है वो, कहो। जी नहीं आलमपना। नहीं, ये झूठ है आलमपना, ये झूठ है आलमपना, ये झूठ है। हमारे बुढ़ापे का सहारा छीनने वाला यही है आलमपना, यही है। अरे मर्दूत, क्या मिला तुझे मेरे लाल को मारकर? अरे किस जमाने की दुश्मनी निकाली है तूने? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? आज अगर इस झूठी गवाही से तू बच भी गया इस दुनिया से, तो ऊपर जो सबसे बड़ा मुंसिफ बैठा है उसके इंसाफ से तू नहीं बच सकेगा, नहीं बच सकेगा। तूने हमारी जिंदगी का सहारा छीना है, खुदा तेरा चैन सुकून छीन लेगा। जीते जी भी तू मौत से बदतर जिंदगी गुजारेगा। कोर फूटेगा तेरे बदन में, तिल तिल करके मरेगा तू, तिल तिल करके मरेगा। देखा दोषीजा, तुम्हारे झूठ का कितना बड़ा सबूत है इन गमजदा माँ बाप के दिल की आवाज। कितना बड़ा झूठ बोला है तुमने। मगर आलमपना, इंसाफ की बुनियाद सबूत पर होती है, जज्बातों पर नहीं। हम जानते हैं वजीर जादे, हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रही हूं कि मुजरिम कोई और है। कौन है वो? क्या तुम उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं? जी हां आलमपना, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। झूठ! तुम लोग उसे पहचान नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी आंखों पे मकर फरेब का पर्दा चढ़ गया है। तो शीजा, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारी इस्मत का लुटेरा है। इसने उस इंसान का कत्ल किया जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और तुम कहती हो कि ये वो नहीं है।
याद रखो, ये शहंशाह यमन का दरबार है। यहां सच और झूठ का फैसला होठों से निकले अल्फाज से नहीं, आंखों में उभरने वाली परछाइयों से होता है, और तुम्हारी आंखें तुम्हारे होठों का साथ देने से इनकार कर रही हैं। खुदा गवाह है, जब भी सच्चाई का पता चलेगा, मुल्जिम से पहले हम तुम दोनों को सजाए मौत दे देंगे। नहीं आलमपना, नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम झूठे हैं, हमारी गवाही झूठी है। सच्चाई तो यह है आलमपना, यही है वो कातिल, यही है वो लुटेरा जिसने आसिम मुस्तफा की जान ली है, इसने मुझे भी जान से मार डालने की धमकी दी थी, इसीलिए मेरी बीवी ने झूठ बोला। आलमपना यही वो मुजरिम है, यही वो मुजरिम है आलमपना। जी नहीं आलमपना, ये बिल्कुल झूठ है। कमीने बदजात आलमपना, अब ये हमें जान से मारने की धमकी क्या, जान से मार भी देगा तो भी मैं यही कहूंगी कि ये कातिल है, कातिल है, कातिल है। हमें माफ कर दीजिए आलमपना, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि मुजरिम यही है। हमारे हातिम ने हमें सारी हकीकत बता दी थी। हमें अपनी जुबान पर शक हो सकता है, मगर हातिम तो फिर हमारा फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आलमपना, आलमपना के इकबाल का सितारा रोशन रहे, इस नमक ख्वार की इतनी दरख्वास्त है कि फैसला करते वक्त ये जरूर सोचें कि परवेज हमारा इकलौता बेटा है। वजीरे आजम, आप ये क्यों भूलते हैं कि मुजरिम ने जिसका कत्ल किया वो भी शायद किसी का इकलौता बेटा था। जी, हाजरीन दरबार, मुजरिम का जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा हम शहंशाह यमन कानून और इंसाफ को हाजिर नाजिर जानकर मुजरिम परवेज इब्ने तबरेज महमूदी को सजाए मौत का हुक्म। फैसला सुनाने से पहले ये अदना गुलाम आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता है। आपको इजाजत की क्या जरूरत है शहजादे, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मुजरिम का जुर्म भी साबित हो गया और यह भी तय हो चुका कि उसे सजाए मौत दी जाएगी। यकीनन। मगर वो घर तो सूना ही पड़ा रहेगा जहां शाम को दो बूढ़े माँ और बा इस इंतजार में अपने जवान बेटे की राह तकते थे कि वो आएगा और उनके सूने घर में रौनक छा जाएगी, उनके घर का ठंडा चूल्हा फिर से जल उठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं शहजादे? यही कि एक माँ बाप से तो उनका बेटा छिन गया, अगर आप मुजरिम को सजाए मौत देंगे तो क्या दूसरे माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को नहीं खो देंगे? ये तो इंसाफ का तकाजा है, जान के बदले जान और खून के बदले खून। मगर आलमपना, इंसाफ की रूह से खून बहा भी तो जायज है। क्या मतलब? अगर आलमपना हुक्म दें तो मैं उस कहार की जान के बदले उसके माँ बाप को इतनी दौलत देने के लिए तैयार हूँ कि उनका बुढ़ापा बड़े आराम से कट जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है वजीर आजम साहब, बेटे को खोकर अगर दौलत मिल जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वैसे कितनी दौलत दे सकते हैं आप इनको? जितनी इन्होंने कभी ख्वाब में भी न देखी होगी आलमपना। ठीक है, तो फिर हम आपको उससे कई ज्यादा दौलत देंगे अगर आप अपने बेटे का सर अपने हाथों से अभी और इसी वक्त कलम कर दें। हम आपके कहने का मतलब समझना चाहते हैं शहजादे। हमारे कहने का साफ मतलब ये है कि इन बूढ़े माँ बाप से इनका बेटा छीना गया
अगर आपको इंसाफ करना है तो इन्हें इनका बेटा वापस कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? जो चला गया वो फिर वापस कैसे लौट सकता है? हमें मालूम है जो चला गया वो फिर वापस नहीं आ सकता, मगर उसका बदल तो हो सकता है। आप क्या पहलियां बुझा रहे हैं शहजादे? हम समझने से कासिर हैं। हम चाहते हैं आलम पनाह कि इन बूढ़े माँ बाप का सहारा खुद वजीर जादे बने। क्या आलम पनाह मेरा बेटा और इन मामूली आदमियों का बेटा बने? सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके घर में वो इनकी उसी तरह खिदमत करेगा जिस तरह इनका बेटा किया करता था। नामुमकिन, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे मौत गवारा है मगर एक कहार की जिंदगी नहीं। वजीर साहब तो कहार की जगह लेने के लिए तैयार नहीं। आप हमें इजाजत दीजिए, हम कहार बनके उसके माँ बाप की देखभाल करेंगे। हम उनके आंखों से आंसू पोछेंगे, हम उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे आलम पना। आप शहजादे? हाँ हाँ। मगर आप वली अहद सल्तनत हैं। बादशाह अपनी रियाया का बाप होता है, उस रिश्ते से वली अहद अपनी रियाया का भाई हुआ। मरहूम आसिफ हमारा भाई था, हमारा फर्ज है कि हम उसके माँ बाप को उसकी कमी ना महसूस होने दें। आप हमें इजाजत दीजिए अब्बा हुजूर। झुक जाए इजाजत है। चलिए अब्बा, हम कहार बनकर आपके बेटे की तरह डोली तो नहीं उठा सकते, मगर ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी खिदमत में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। चलिए ना अब्बा, चलिए ना अम्मी। नहीं शहजादे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे गुनाहों का बोझ आप मत उठाइए। गुनाह मैंने किया है, इसका कुफारा मुझे ही अदा करना होगा। आलम पना, शहजादे का इसार और कुर्बानी देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, नफरत हो रही है कि मैंने इतना बदतरीन गुनाह किया जो मुआफी के काबिल नहीं। लेकिन आलम पना, आप तो शहंशाह यमन हैं, आपके रहम करम से मेरी यह इल्तजा है कि मुझे गुलाम बनकर आसिफ के बूढ़े मां बाप की खिदमत करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हमें बहुत अफसोस है बहन कि आज आपका बेटा आपसे जुदा हो रहा है। नहीं मलका आलिया, आज मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। शाबाश परवेज, शाबाश। आज मुझे यकीन हो गया कि तू वाकई मेरा खून है, मेरा बेटा है। जा बेटा जा। हातिम, अल्लाह तुम्हारी नेक नामी इसी तरह बरकरार रखे। सहा जाता परवेज, हमसे नहीं सहा जाता। हातिम, हातिम,
इंसाफ नहीं, जुल्म है जुल्म। परवेज पर नहीं, हम पर भी। हमारा नाजू से पला हुआ बेटा आज एक मामूली कहार की जिंदगी जिए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सब हातिम की वजह से हुआ। आज अगर उसने ऐसा इंसाफ न किया होता तो मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम न होती। अगर शहजादे वक्त पर ना आते तो जिस जिंदगी को आप जहन्नम कह रहे हैं वो जिंदगी ही ना रहती। मगर जरा ये भी तो सोचिए कि हमारे बेटे को सजाए मौत भी हो सकती थी। अगर वो मर जाता तो हम सब्र कर लेते बेगम, खून के घूंट पीकर रह जाते। लेकिन ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि नरम बिस्तर पर सोने वाला हमारा बेटा आज पथरीली जमीन पर करवटें ले रहा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाओं में सांस लेने वाला हमारा बेटा आज चुलमुलाती धूप में नंगे पांव, नंगे बदन गली कुचों में एक अशरफी के लिए, पाल के लिए घूम रहा है। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे? ये सब हातिम की वजह से हुआ है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के खौफ से तो डरिए। आज हमें किसी का खौफ नहीं, न खुदा का न ही बादशाह सलामत का। आज हमारे सर पर जुनून सवार है, जुनून। और ये जुनून तभी उतरेगा जब तक हातिम के खून से हम अपनी तलवार की प्यास नहीं बुझा देते। शहजादे, आप? मार डालिए मुझे शहजादे, मार डालिए मुझे, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको मारने का इरादा किया है। मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, वरना वरना मैं आपको मार डालूंगा। आपने मेरा बेटा छीना, मेरा लखते जिगर छीना है, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो आप मुझे मार डालिए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। इस दुनिया से आपको मिटा दूंगा शहजादे, इस दुनिया से मिटा दूंगा। आपको हमें मारना ही है तो ये लीजिए, मार दीजिए हमें, मिटा दीजिए इस दुनिया से। एक ना एक दिन तो आदमी को मरना ही पड़ता है। हमारे लिए इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है कि हमें गमजदा बाप के हाथों से मारे जाएं। हम आपके मुजरिम हैं वजीर साहब, हमने आपके बेटे को आपसे छीना, हम सजा के हकदार हैं। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वाकई हमने आपके बेटे के साथ कोई जुल्म किया? अगर आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे होते तो आप क्या फैसला सुनाते? क्या आप खून का बदला खून और जान का बदला जान नहीं कहते? और अगर आप कहते तो क्या आपका परवेज आज इस दुनिया में होता? वजीर साहब, हमने तो आपको हश्र के दिन के उस वक्त से बचाया जब आपका बेटा खुदा के सामने आपका गिरेबान पकड़कर कहता कि ये है मेरा बाप जिसने जिंदगी में मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई, यही है वो जिसने सही और गलत बातों की रहनुमाई नहीं की। मैं गुनाह करता तो वो खुश होता, मैं नेकी की तरफ बढ़ता तो वो मुझे रोकता, मैं किसी का सर काटता तो वो अपना सर फकीर से ऊंचा करता, मैं जुल्म करता तो मेरे हाथों को चूमता। अगर इसका बेजा लाड प्यार नहीं होता तो आज मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी ना होता। अगर आपको मुझे सजा देनी है तो उससे पहले मेरे बाप को दीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पौधा था। गुनाहों का असली बीज तो ये है, ये असली मुजरिम, असली गुनेगार ये है लाही, ये सजा इसे दीजिए, इसे दीजिए सजा। मुझे माफ कर दे बेटी,
मुझे माफ कर दे। मैं अपने बेटे की मोहब्बत में अंधा होकर यह भी भूल गया था कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जहां न कोई बेटा होगा, न कोई बाप होगा, न कोई भाई होगा और न कोई रिश्तेदार, जहां हर एक को अपने आमाल का हिसाब खुद देना होगा। बेटे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आपने तो करिश्मा करके दिखाया, मेरे मेरे बेटे को सुधार के दिखाया, जिसे मैंने सुधार सका उसको आपने सुधारा। आप इंसान तो हो ही नहीं सकते, आप तो फरिश्ता है, सचमुच आप तो फरिश्ता है, आप तो फरिश्ता है, फरिश्ता फरिश्ता। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। या खुदा, आदाब मलका आलिया। आप आइए, तशरीफ रखिए। हम आपसे एक बात पूछें, आज आपकी आंखों में आंसू? हम भी कितनी बदनसीब माँ है बहन, अपने हातिम को जी भर कर देख भी नहीं पाते और वो हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। न जाने अब की बार वो कहाँ होगा। मलिका आलिया, क्या बात है सलमा, इस कदर बद आवाज क्यों हुई जा रही है? अभी अभी खबर मिली है कि शहजादा यमन शहर के सदर दरवाजे से दाखिल हो चुके हैं। क्या हमारा हातिम आ रहा है? जी। मलिका आलिया, शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। या अल्लाह, आज एक मुद्दत के बाद हम अपने हातिम को देखेंगे। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे। देखा मलिका आलिया, आपकी ममता ने शहजादे को इतनी शिद्दत से याद किया कि वो खुद ब खुद चले आ रहे हैं। बहन, आज हम अपने हातिम पर अपनी ममता इस कदर लुटाएंगे, इस कदर लुटाएंगे कि वो फिर कभी हमारी आंखों से दूर होने की कोशिश नहीं करेंगे। मलिका आलिया, शहजादे साहब यहीं तशरीफ ला रहे हैं। या खुदा, हातिम के दीदार को तरसती ये निगाहें उसे देखकर कैसे ताब रख सकेंगी। अश्कों का दरिया तो अभी से लहरें लेने लगा है। मलिका आलिया, अपने दिल पर काबू रखिए, आपकी जो हालत है वो एक माँ की ही हो सकती है। आदाब चची जान। खुश रहो बेटे। आदाब अम्मी जान। या खुदा, आज कितने दिनों बाद ये लफ्ज हमारे कानों में गूंजा है। एक बार फिर से कह दो बेटे, ताकि इस गम नसीब माँ को चैन नसीब हो जाए। अम्मी जान, हातिम, हातिम, अम्मी जान, हातिम मेरे लाल, अम्मी जान, हातिम, हातिम,
इतने बेदर्द क्यों हो जाते हो बेटे कि अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रहता तुम्हें? खुदा गवाह है कि आपकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है। फिर बिना बताए क्यों चले जाते हो? आपको कैसे बताएं अम्मी जान कि हम क्यों चले जाते हैं? अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा हमारी नजरों के सामने रखेंगे। मलका आलिया, आप एक खूबसूरत शहजादी देखकर शहजादे की शादी कर दीजिए, फिर तो ये यहीं के होकर रह जाएंगे। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली बहन। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घर में चांद सी दुल्हन आ जाए। ठीक है, आप हमारी अम्मी हुजूर हैं, आपके कदमों के नीचे जन्नत है। हम आपको नाराज करके वो जन्नत नहीं खो सकते। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर एक बात बताइए अम्मी हुजूर। पूछो बेटे। क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा इस आलीशान महल की रौनकों में खोकर खुदा के उन बंदों को भूल जाए जिन्हें उसकी जरूरत है? मगर एक माँ का भी तो कुछ हक होता है अपने बेटे पर। आप कहें तो आपके हुक्म पर हम अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू बहा दें, आप कहें तो हम अपनी जान निकालकर आपके कदमों में डाल दें, आप कहें तो अपने दिल का खून करके आपकी हर तमन्ना हर आरजू पूरी कर दें। कैसी बातें करते हो बेटे, एक माँ अपने बेटे की तमन्नाओं का खून नहीं उसकी खुशियां चाहती है। तो फिर हमें इन जंजीरों में मत बांधिए अम्मी हुजूर। हमारी खुशी शादी करके घर बसाने में नहीं, मजलूमों के आंसू पोंछने में है। हमारी खुशी उन जख्मी दिलों पे मरहम लगाने में है जो जमाने के सताए हुए हैं, दर्द से कराते उन लोगों की मदद करने में है जो जुल्म और नाइंसाफी के शिकार हैं। हम हर आंख में खुशी और होंठों पे मुस्कुराहट बिखेर देना चाहते हैं। खुदा के लिए हमें अपने मकसद को पाने से मत रोकिए अम्मी हुजूर, वरना हमारी जिंदगी बेमकसद होके रह जाएगी। बस बेटे बस, तुम पर अपनी ममता लुटाने की चाह में हम ये भूल गए थे कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं, फरिश्ते हो फरिश्ते, और फरिश्ते अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पैदा होते हैं। आज हमें तुम पर ही नहीं अपने आप पर भी फक्र हो रहा है कि हम तुम्हारी माँ हैं। जाओ बेटे, आज के बाद तुम्हारी ये माँ कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। खुदा तुम्हें हर मंजिल पर कामयाबी अता करे। जाओ बेटे। अम्मी जान। हातिम, खुश रहो बेटे। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें हर मंजिल पर कामयाबी दे। खुश रहो बेटे, खुश रहो। है आज किसी की आंखें निकाली जाने वाली हैं। अरे भाई, अपनी पर्देदार मलिका पर कोई नजर डालेगा तो उसको सजा मिलेगी ही। मगर वो है कौन? होशियार, खबरदार, मलिका गुलनार तख्त शाही पर जलवा फरोज हो रही है। दरोगा शहर, मुजरिम का जुर्म और हमारा फैसला सबके सामने दोहराया जाए। हर खासो आम को अच्छी तरह मालूम है कि हमारी मलिका के चेहरे की तरफ देखने वाले की आंखें निकाल ली जाती हैं। इसके बावजूद भी मुजरिम मुश्ताक जुबैर ने जानबूझकर मलिका आलिया के चेहरे को देखने की गुस्ताखी की।
इसलिए मलिका आलिया का हुक्म है कि आज सरेआम इस मुजरिम की आंखें निकाली जाएं। रहम, मलिका आलिया, रहम, इस अत्याचार पर रहम हो मलिका आलिया। अब्बा, मैं सचेता हूँ मलिका आलिया, मेरा बेटा मासूम है, बेगुनाह है। मलिका आलिया, अगर उसने आपको देखा भी था तो किसी बुरी नजर से नहीं। इसे बख्श दीजिए मल्लिका आलिया, इसे बख्श दीजिए। मल्लिका आलिया, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इस अंधे की लाठी है लाठी, अगर ये लाठी अंधी हो गई तो इस अंधे को सहारा कौन देगा? इस बूढ़े लाचार पर तरस खाइए मलिका आलिया, इस बूढ़े लाचार पर। चुप कर बदबख्त बूढ़े, आंखों से देख नहीं सकता और जबान कैची की तरह चलाता है। अब अगर ज्यादा शोर किया तो तेरे बेटे की आंखों के साथ साथ तेरी जबान भी कतर के रख दी जाएगी। काट दो, अरे सिर्फ मेरी जुबान ही क्यों, मेरा गला भी काट दो, जला दो, लेकिन मैं जीते जी अपने बेटे पे जुल्म होने नहीं दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ऊपर वाले, मैं तो अंधा हूं ही, क्या तू भी अंधा हो गया है? क्या तुझे भी यह जुल्म दिखाई नहीं देता? क्या सभी ऊपर वाले जालिम होते हैं? ये ऊपर बैठी हुई मल्लिका मेरे बेटे की आंखें निकलवा रही है। और तू सबसे ऊपर बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। याद रख, इस बूढ़े ने जिंदगी भर तेरी इबादत की है। अंधा होते हुए भी हर रमाज तुझे और सिर्फ तुझे ही देखा है, तो फिर क्यों नहीं रोटता उन हाथों को जो अंधेरा बनकर मेरे बेटे की तरफ बढ़ रहे। परवरदिगार, इससे पहले कि मेरे बेटे की आंखें बेनूर हो जाए, तू से अपना नूर भेज दे मेरे मौला, तू से अपना नूर भेज। ठहरो, ये क्या हो रहा है? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? खुदा की बनाई हुई जमीन पे रहने वाला खुदा का एक मामूली बंदा। ओह, तो इस रियासत में अजनबी लगते हो। अजनबी जरूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि हक और इंसाफ को पहचान ना सकूं। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ एक बेगुनाह के साथ ना इंसाफी होने जा रही है। इस रियासत में हक वही है जो हमारी मलिका समझे, इंसाफ वही है जो वो चाहे। हक के नाम पर ना हक और इंसाफ के नाम पर ना इंसाफी करना बहुत बड़ा जुल्म है। क्या हम पूछ सकते हैं कि इस मासूम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी से ये सजा दी जा रही है? इसने हमारी मलिका की तरफ देखने की जुर्रत की थी, इसलिए उनके हुक्म से इसकी आंखें निकाली जा रही हैं। किसी की तरफ देखना क्या इतना बड़ा जुर्म है कि आंखें छीन ली जाए? इसने किसी की तरफ नहीं, मलिका बगदाद की तरफ देखने का कसूर किया है, और हमारी रियासत में मलिका की तरफ देखने वालों की सजा यही है। क्या हम मलिका बगदाद से दो बातें कर सकते हैं? दरोगा शहर, इस अजनबी से पूछो कि ये कौन है और कहां से आया। हम एक मामूली सल्तनत के मामूली से शहजादे हैं। उस सल्तनत का भी कोई नाम होगा शहजादे? है क्यों नहीं, उस सल्तनत का नाम है यमन, और हम शहजादे यमन हैं। शहजादे यमन? यानी कि हातिम ताई? या खुदा, ये तो हातिम ताई हैं। हातिम ताई,
हाय अल्लाह हातिम चश्मे बद्दूर। हातिम मेरे बेटे, इस अंधे बूढ़े ने तेरा नाम बहुत सुना है। तू मोहताजों का दस्तगीर है, तू तो मजलूमों का मददगार है। तू इस अंधे की लाठी को टूटने से बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। हातिम ताई, फिक्र मत कीजिए बुजुर्गवार, अल्लाह बहुत बड़ा है। दरोगाए शहर, शहजादा यमन से पूछो कि वो चाहते क्या हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अंधे के बेटे पर मलिका आलिया का रहम हो। शहजादा यमन, अगर आपकी रियासत में किसी गुनाहगार को सजा दी जा रही हो और हम उसे रोकने की कोशिश करें, तो क्या शाह यमन ये बर्दाश्त कर पाएंगे? जी नहीं, मगर एक बेगुनाह को सजा दी जा रही हो तो यमन का एक छोटा सा बच्चा भी शाह यमन के इंसाफ को ललकार सकता है। इस अंधे बूढ़े का बच्चा बेगुनाह नहीं है, इसने हमारे चेहरे पर नजर डालने की खता की है। माफ कीजिएगा मलिका आलिया, अगर आपके चेहरे को देखना गुनाह है तो सबसे पहले सूरज की उन किरणों को सजा दीजिए जो हर रोज आपके चेहरे से टकराती हैं, उन हवाओं को सजा दीजिए जो आपके रुखसारों को सहलाती हैं, उस चांदनी को सजा दीजिए जो आपकी खूबसूरती को निहारती है, और फिर ये मासूम तो आपकी औलाद जैसा है क्योंकि मलिका रियाया की माँ होती है और माँ की तरफ देखने से औलाद गुनहगार नहीं होती। आखिर आप चाहते क्या हैं? सिर्फ इतना कि इस मासूम को रिहा कर दिया जाए। और अगर हम ना करें तो? तारीख हमेशा आपको एक मगरूर और जालिम मलिका के तौर पर याद रखेगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम इस लड़के को आजाद कर देते हैं, मगर इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। एक मासूम की आंखें बचाने के लिए हम हजारों शर्तें मान सकते हैं। हमने आपका बहुत नाम सुना है शहजादे यमन, हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें। बस इतनी मामूली शर्त? हम तो समझे थे कि आप हमारा सर मांगेंगी। हमें आपका सर ही चाहिए शहजादे, मगर कटा हुआ नहीं, झुका हुआ। दरोगाए शहर से कहो कि इस लड़के को रिहा कर दिया जाए और शहजादा हातिम को बड़ी इज्जत के साथ हमारे मेहमान खाने में ले जाया जाए। या अल्लाह, अब्बा, मुश्ताक, अब्बा, मेरे बेटे, मेरे बेटे, हातिम, ऐ शहजादा यमन, तू इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। खुदा हमेशा तुझ पर अपनी रहमतें भेजता रहे। चल मेरे बेटे, बोलो हातिम ताई जिंदाबाद, हातिम ताई जिंदाबाद। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त
किसके बारे में सोच रही हो? किसके बारे में? उसी के बारे में ना, जिसके इश्क ने तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून सब कुछ छीन लिया है। लेकिन आज वो तुम्हारे इतने करीब होकर भी तुमसे बहुत दूर है। तो क्या हुआ? अगर आज तुम उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सके तो वो कभी तुम्हारा नहीं बन पाएगा। मगर हम तो मलिकाए गुलनार हैं और हम अपने इश्क का इजहार किसी से कैसे कर सकते हैं? क्यों, क्या मलिका के सीने में दिल नहीं होता? क्या उसकी आरजुएं और तमन्नाएं नहीं होती? होती है, मगर आज की रात मलिका गुलनार के हुस्न और इश्क का इम्तिहान है। जाओ, अपने हुस्न और इश्क के शोलों में हातिम के गुरूर को हमेशा हमेशा के लिए जला के राख कर दो। तो ठीक है, आज हम हातिम को अपने हुस्न का दीवाना बना देंगे और फिर हम देखेंगे कि वो हमसे शादी करने के लिए कैसे इनकार करता है। आप शायद गलत कमरे में आ गई हैं। हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। आपने मलिकाए गुलनार को कभी देखा ही नहीं, तो आप पहचानेंगे कैसे? आप मलिकाए गुलनार? जी, हम। हमें यकीन था कि आप हमें एक बार देख लेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपना नकाब दोबारा डाल लें। एक गैर मर्द के सामने बेपर्दा होना आपको जेब नहीं देता। मगर आप हमारे लिए गैर नहीं हैं। जी, आपकी जवां मर्दी और बहादुरी के किस्से सुन सुनकर हम आपको दिल ही दिल में चाहने लगे हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तब तो हमें अफसोस है कि आपकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्या हम हसीन नहीं हैं? आप दुनिया की हसीन और जमील लड़कियों में से एक हैं। क्या हमारी आंखें झील सी गहरी नहीं हैं? आपकी आंखें खूबसूरती का शाहकार हैं। क्या हमारे होंठ गुलाब की पंखड़ी नहीं है? आपके होंठ बेमिसाल हैं। मगर मगर क्या? एक सल्तनत की मलिका होने के साथ साथ हमारे सीने में भी एक मोहब्बत भरा दिल है, जिसमें सिवाय आपकी तस्वीर के और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हमें आपके जज्बात का एहसास है, मगर हमारे लिए और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आपके सारे गम अब हमारे हो जाएंगे। एक कनीज की तरह हम अपनी सारी जिंदगी आपके इशारों पे गुजार देंगे। बीवी को कनीज नहीं, घर की इज्जत बना के रखा जाता है। मगर इस वक्त हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं। नहीं शहजादे, नहीं,
हम दीवानावार आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत को मत ठुकराओ, मत ठुकराओ। हम आपको कैसे समझाएं कि आपके लिए हमारे दिल में इज्जत तो हो सकती है मगर प्यार नहीं। हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हातिम, एक बार सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे, हमारी बेकरार उमंगों को करार आ जाएगा। आप यहां से तशरीफ ले जाइए मलिका आलिया। मलिका नहीं, सिर्फ गुलनार कहिए। आप हमारा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे हम। हम कहते हैं हमारा हाथ छोड़िए मलिका आलिया। हम आपसे वादा लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे आपको मलिका। प्यार जबरदस्ती का सौदा नहीं होता मलिका, ये वो जज्बा है जो खुद ब खुद दिल में समा जाता है। हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे मगर जो सच है हमने कह दिया। तो एक सच हमसे भी सुन लो हातिम, तुमने हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया है, हमारी मोहब्बत को ठोकर मारी है। अब तुम उस वक्त तक इस कमरे से बाहर नहीं जा सकोगे जब तक हमारे पैरों पे गिर के हमसे मोहब्बत का इकरार ना कर लो। ये नामुमकिन है। तो फिर कल सुबह जब ये सातों दरवाजे खुलेंगे तो इसमें से वो हातिम नहीं निकलेगा जिसे लोग एक शरीफ और इज्जतदार शहजादा समझते हैं, बल्कि निकलेगा वो हातिम जिसके दामन पर हमारी इज्जत का खून होगा, और निकलेगी रोती बिलकती वो मलिका जिसकी आबरू का शीशा तुम्हारे शैतानी इरादों से चूर चूर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुदा ने हातिम को इतना कमजोर नहीं बनाया जो जज्बात के हाथों मजबूर एक औरत के सामने बेकाबू हो जाए। यकीनन तुम कमजोर नहीं हो, मगर हमारी सल्तनत के लोग तुम्हारी नहीं हमारी बातें सुनेंगे। हम चीख चीख कर दुनिया से कहेंगे कि जिस इंसान को हमने शरीफ और इज्जतदार समझकर अपना मेहमान बनाया वो मेहमान नहीं शैतान बन गया, उसने हमारी आबरू को बेलिबास कर दिया। और फिर हम देखेंगे कि तुम हमारे बनने से कैसे इनकार कर सकोगे। हम सुबह होने का इंतजार ही क्यों करेंगे मलिका, हम अभी और इसी वक्त यहां से जा रहे हैं। दरवाजों के अंदर बंद हो हातिम, सात दरवाजों के अंदर, और अब ये सातों दरवाजे तुम्हारी मर्जी से नहीं हमारी मर्जी से खुलेंगे। जिसके साथ खुदा है वो सात दरवाजे तो क्या सात समुंदर भी पार कर सकता है। तो फिर हम भी देखते हैं कि आज खुदा तुम्हारे साथ है या कि हमारे साथ। सुन
सजा रुसवा न होने पाए, या रब मेरी दुआ अल्लाह करम करना, मौला तू रहम करना। रुसवाइयों से मेरा दामन बचा ले आए, पाकीजगी की मेरी या रब तू रख न लाए। मुश्किल की है घड़ी ये कयामत की रात है, मुझको मगर यकीन है कि तू मेरे साथ है। बंदे को अपने तू ही तो रास्ता दिखाएगा, बंदे को अपने तू ही तो रास्ता दिखाएगा। रुसवा न होने पाए या रब मेरी दुआ, रुसवा न होने पाए या रब मेरी दुआ। इस बेकसी में तू ही तो दमसाज है खुदा, वरदान कोई तुझ से तू हम राज है खुदा। हर एक अमल का तुझको तो हो जाता है पता, हर एक गुनाहगार को तू देता है सजा। गुमराहियों से अब तक बचता रहा हूँ मैं, तेरी दिखाई राह पे चलता रहा हूँ मैं। अब तेरे हाथ ही में है इज्जत मेरी खुदा, बदनाम हो न जाए शराफत मेरी खुदा। ईमान की कसम है ईमान जाने पाए, अब आन पर बनी है कि बस आन जाने पाए। ईमान की कसम है ईमान जाने पाए, अब आन पर बनी है कि बस आन जाने पाए। चाहे तो जान ले ले मगर आबरू बचा, चाहे तो जान ले ले मगर आबरू बचा। रुसवा न होने पाए या रब मेरी दुआ, रुसवा न होने पाए या रब मेरी दुआ। अल्लाह करम करना, मौला तू रहम करना। ऐ दो जहां के मालिक सुन ले मेरी सदा, रुसवा न होने पाए या रब मेरी दुआ। अल्लाह
हातिम, हातिम, हमें माफ कर दो हातिम, हम तुम्हारे गुनाहगार हैं, हम पर वाकई शैतान सवार हो गया था, हम खुदा को भी भूल बैठे थे, हातिम, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। रोइए मत मलिका, हमने तुम्हें माफ किया और हमें यकीन है कि खुदा भी तुम्हें जरूर माफ करेगा, क्योंकि खुदा को सबसे ज्यादा जो अदा पसंद है वो है इंसान का अपनी गलती पर पछताना। हम वाकई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें नेक हिदायत दी। याद रखो, इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उसके अपने जज्बात। जिसने उन पर काबू पा लिया समझो वो खुदा का दोस्त हो गया। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम इंसान नहीं हो हातिम, फरिश्ता हो, फरिश्ता।